नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल पटेल, डायरेक्टर ऑफ सॉफ्टामो एजुकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूँ सॉफ्टामो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर। हर बार की तरह इस बार भी कुछ अलग विषय, अलग टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होने जा रहे हैं। इस बार का हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली कोई यूनिवर्सिटी या कोई कंट्री के बारे में नहीं है। यहाँ पे हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड है हर एक स्टूडेंट के लिए, एज वेल एज मे बी ये चीज़ इफेक्ट हो सकती है हर एक विजिटर के लिए भी, कि कभी भी कोई भी अननोन कंट्री में आप जा रहे हो तो यहाँ से आपके लिए क्या क्या प्रिपरेशन रिक्वायर्ड है, यानी कि लिस्ट ऑफ थिंग्स टू कैरी वाइल ट्रैवलिंग टू अब्रॉड। ये टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, वो काफ़ी सारे बच्चों के लिए एज वेल एज पेरेंट्स के लिए यूजफुल हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा निवेदन है आपसे कि अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब जरूर से कर ले, ताकि आने वाले दूसरे टॉपिक के बारे में जो भी वीडियो हम लोग बना रहे हैं उसका भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों बात शुरू करते हैं लिस्ट ऑफ थिंग्स टू कैरी व्हाइल ट्रैवलिंग टू अब्रॉड। बेसिकली हर एक पेरेंट्स को एक टेंशन रहता है जब अपना बच्चा वहां पे अब्रॉड कंट्री में ट्रैवल कर रहा होता है कि उसके साथ कौन कौन सी चीज़ें भेजनी है। उसके पीछे दो रीज़न होते हैं, एक तो कंट्री, दूसरी होती है मीन्स बच्चा अपने से बहुत दूर होता है, प्लस दूसरा उसके लगेज के अंदर एक वेट लिमिटेशन होता है, तो उसकी वजह से एक एक चीज़ की गिनती करके उसको लोड करना पड़ता है। तो सामान के अंदर जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट आएगी वो आएगी ट्रैवल डॉक्यूमेंट फॉर इमिग्रेशन। सी, यहाँ पे आपके पास वीज़ा आ चुका है, आपके पास टिकट आ चुका है, आपके पास पर्टिकुलर वो कंट्री का इन्विटेशन भी अवेलेबल है, लेकिन जो इमिग्रेशन होता है सी, हर किसी के दिमाग में एक ऐसी दुविधा होती है कि मेरे को वीज़ा मिल चुका है, दैट मीन्स मैं पहुंच चुका हूँ वो कंट्री के अंदर। बेसिकली वीज़ा इट्स अ डॉक्यूमेंट टू मीटिंग विद इमिग्रेशन ऑफिसर। कोई भी कंट्री का एंट्री आपका तभी कंफर्म होता है जब इमिग्रेशन ऑफिसर आपको क्लियर वहां से बाहर निकलने देता है। तो इमिग्रेशन ऑफिसर को वहां पे कन्विंस करने के लिए जो जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहते हैं वो डॉक्यूमेंट आपको कैरी करके चलने पड़ेंगे, और वो हैंडी भी होनी चाहिए आपके पास कि उस टाइम पे जब भी मांगा जाए हर एक चीज़ आपके पास इन द हार्ड फॉर्मेट अवेलेबल हो। सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड आता है आपका ओरिजिनल पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, टिकट जो है वो टिकट अवेलेबल होनी चाहिए, एज वेल एज जो बोर्डिंग पास है, बोर्डिंग पास जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो उस टाइम पे आपको संभाल के रखना जरूरी है। उसके बाद जो मेन चीज रहती है वो रहता है वैलिड वीजा। वीजा कोई भी फॉर्मेट में हो सकता है, मे बी इट्स अ ई वीजा, मे बी इट्स अ स्टिकर वीजा, और मे बी इट्स अ पेपर वीजा। उसके अलावा जो भी यूनिवर्सिटी का आपके पास इन्विटेशन लेटर आया हुआ है वो इन्विटेशन लेटर का स्कैन कॉपी या फोटो कॉपी कुछ कंट्री के अंदर ओरिजिनल भी डिमांड किया जाता है। ओरिजिनल ट्रैवल इंश्योरेंस कोई कोई कंट्री डिमांड करती है, और वो दो टाइप के भी हो सकते हैं, मे बी इट्स फ्रॉम इंडियन कंपनी और मे बी इट्स फ्रॉम अब्रॉड कंट्री एज वेल। उसके बाद जो रहता है वो आपका फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट या फिर HIV सर्टिफिकेट, जो कंट्री के जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपके पास अवेलेबल होना जरूरी है। दूसरा जो डॉक्यूमेंट रहता है वो है कॉपी ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, वो कंपल्सरी इंग्लिश ट्रांसलेटेड होना रिक्वायर्ड है वहां पे। तो ये डॉक्यूमेंट जो है वो डॉक्यूमेंट आपको एक ऑर्डर फॉर्म में एक फाइल के अंदर, बॉक्स फाइल्स आती है आपके पास, उस टाइप की बॉक्स फाइल के अंदर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ में उसकी जेरोक्स कॉपी भी कुछ निकाल के रख ली जाए। बेसिकली 7 से 8 सेट जेरोक्स के होने आवश्यक है, कोई भी डॉक्यूमेंट को स्टेपल ना करे किसी दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ, क्योंकि हर एक पॉइंट पे रिक्वायरमेंट डिफरेंट रहे तो बार बार स्टेपल निकाल के डॉक्यूमेंट डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद सेकंड चीज आती है वो आता है आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विद द वाइट बैकग्राउंड, 80% फेस क्लियरेंस, 20 के जितनी कॉपी आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद बात करेंगे हम लोग बैग्स की कि कितना लगेज आप ले जा सकते हैं यहाँ से। तो बेसिकली बैग की बात करेंगे तो हर एक एयरलाइन का डिफरेंट डिफरेंट रूल रहता है। कुछ कंट्री के अंदर आपको 23 केजी अलाउ किया जाता है प्लस 7 केजी का हैंड बैग होता है, कुछ कंट्री के अंदर 30 एंड प्लस 7 केजी का आपको अलाउ किया जाता है, और कुछ कुछ जगह पे 23 के दो पैक भी दिए जाते हैं, और इवन आप एडिशनली भी परचेस कर सकते हैं। तो बेसिकली बैग जब आप परचेस कर रहे हो तो हमारा एडवाइस रहता है कि 23 केजी का बैग आप परचेस करें या 30 का करें, लेकिन वो बैग ट्राई करें व्हील्स के साथ हो और अच्छी कंपनी की, अच्छी ब्रांड की आप प्रीफर करें। उसके अलावा कैरी बैग की बात करेंगे, दैट मींस कि लैपटॉप टाइप की बैकपैक होगी तो भी चलेगा, उसके अंदर 7 केजी आपको अलाउ किया जाता है, लेकिन उसका प्रॉपर डायमेंशन चेक कर ले। कई बार ट्रैवल की बड़ी बैग ले लेते हैं आप और वो वहां पे केबिन में फिट नहीं होती है तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। उसके अलावा एक वेस्ट पाउच जो रहेगा जिसके अंदर पासपोर्ट या करेंसी है आप उसके अंदर रख पाए और आपसे मिसप्लेस ना हो, उसके लिए वेस्ट पाउच भी आवश्यक रहता है। दूसरी चीज याद रखनी खास आवश्यक है कि आप जब ट्रैवल कर रहे हो तो फॉरेन कंट्रीज के अंदर आपको कोई भी कूली अवेलेबल नहीं होने वाला है, आपका लगेज आपको खुद ढोना है। हालांकि एयरपोर्ट के ऊपर ट्रॉली सिस्टम अवेलेबल रहता है तो वो उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं रहती है। दूसरा, जो भी कंट्री में आप जा रहे हो तो एक नॉमिनल कैश आपके पास आपके वेस्ट पाउच के अंदर अवेलेबल होना जरूरी है। नॉर्मली उसको हम लोग US डॉलर में ही कंसीडर करेंगे, बाकी अपनी हैंडबैग के अंदर रखें, कभी भी लगेज के अंदर करेंसी को ना रखें। दूसरा, फॉरेक्स के अंदर एक खास ध्यान रखना जरूरी है कि जितना भी फॉरेक्स आप यहां से लेके जा रहे हैं, जितना US डॉलर लेके जा रहे हैं या दूसरी कोई भी कंट्री की करेंसी लेके जा रहे हैं, तो उसका एक ऑथेंटिक रिसिप्ट लेना आवश्यक है। आप जिस भी कंसल्टेंट से एडमिशन ले रहे हैं तो कंसल्टेंट से सजेस्ट किया हुआ जो फॉरेक्स कंपनी है उसका बेसिकली ट्राई करें यूज करने के लिए। इंडिया
के अंदर भी कुछ कुछ एयरपोर्ट के ऊपर रैंडम स्कैनिंग होता है, और अदर उस टाइम पे अगर आपके पास जिस अमाउंट की रिसिप्ट है उससे ज़्यादा करेंसी पाई जाएगी तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो प्रॉपर एडवाइस ले अपने कंसल्टेंट की, और करेंसी जो है वो लिमिटेशन में ही कैरी करें यहाँ से। दूसरा, जो वेट है, जैसे हमने बोला जो भी एयरलाइन से आप ट्रैवल कर रहे हो वो एयरलाइन के रूल्स के हिसाब से जो बैगेज आपको अलाउ किया गया है उससे एक आध केजी कम रहेगा तो चलेगा, ज़्यादा लोड ना करें ताकि वहाँ पे भी आपको परेशानी ना झेलनी पड़े। करेंसी की अगर हम लोग बात करेंगे तो करेंसी में क्या क्या कैलकुलेशन होता है बेसिकली, तो फर्स्ट ईयर का जो ट्यूशन फीस होता है, आपका पूरे साल भर का जो लिविंग एक्सपेंस रहता है, और दूसरा जो आपका अदर एक्सपेंसेस रहता है, जो एक्सपेंस आपको दिखता नहीं है कहीं पे भी लेकिन उसकी छोटी छोटी एक्सपेंस वहाँ पे लगते हैं आप, तो वो करेंसी आपको थोड़ी बहुत जो कैरी करनी है वो कैरी करके चले। ये करेंसी के अंदर कुछ अमाउंट जो है आप कैश में कैरी करके चले। इसके अलावा जो भी ट्रांजेक्शन है उसका फैसिलिटी या फिर उसका क्लियरिंग का जो टाइम है वो जानना आपके लिए अति आवश्यक है। अगर आप यूएस ड्राफ्ट यूज कर रहे हो तो वो क्लियर होने में 45-60 डेज लेता है, और 3% जो होता है उसका क्लियरेंस फीस लगता है। ट्रैवल चेक अगर आप ले रहे हो तो वो करीबन 1-3% जितना क्लियरिंग फीस लगता है उसके अंदर। एंड तीसरा जो ऑप्शन रहता है वो रहता है फॉरेक्स कार्ड का, जो कि आप कभी भी मनी विड्रॉ करना है आप कर सकते हैं। उसके अंदर एक लिमिटेशंस रहती है हर एक कंट्री के रूल के हिसाब से, तो उसके लिए आप जो फॉरेक्स टीम है उसको सपोर्ट ले सकते। उसके अलावा दूसरा एक फैसिलिटी वो आप क्रिएट कर सकते हैं जिसके अंदर आप इंडिया के अंदर कोई भी एक नेशनलाइज बैंक या प्राइवेट बैंक के अंदर एक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, डेबिट अकाउंट, जिसके अंदर आपको इंटरनेशनल विड्रॉल लिमिट अवेलेबल किया गया हो। तो उसके अंदर बेसिकली वीजा और मास्टर कार्ड आप जो आता है वही यूज़ करें, और उसके अंदर जैसे आप मनी लोड करेंगे आप फॉरेन कंट्री के अंदर कोई भी एटीएम से वो पैसा आप वहाँ की करेंसी के अंदर विड्रॉ कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में हम लोग एडवाइस देंगे कि जब भी आप कोई भी फॉरेन कंट्री में जाते हो जितना होता है उतना जल्दी पहले वहाँ पे लोकल अकाउंट ओपन कर ले, और जो भी पैसा है आपका वहाँ पे वो अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करके वहाँ से विड्रॉ करना रखे। रीजन एक ही होता है कि जब भी आप कोई भी इंटरनेशनल कार्ड यूज़ करते हो कोई भी कंट्री के अंदर तो आपका वहाँ पे विड्रॉल चार्ज लगता है, जो कि 100 रुपीज़ से लेकर 300 रुपीज़ पर ट्रांजेक्शन आपका हो सकता है, डिपेंड ऑन बैंक कौन से बैंक आप कार्ड यूज कर रहे हो। और दूसरा जो कैश की बात करेंगे तो कैश का जो लिमिटेशन रहता है वो 3,000-5,000 डॉलर का होता है, डिपेंड ऑन द कंट्री, हर एक कंट्री के रूल के हिसाब से वो वेरी करता है। जब भी कैश आप लेके जा रहे हो तो उसका ऑथेंटिक रिसिप्ट आपके साथ अवश्य रखें। दूसरा, डॉलर की नोट्स के अंदर ओल्ड है या कि न्यू है वो खास आप जांच लें, क्योंकि कई बार उसमें भी बहुत बड़ी दुविधा का आपको सामना करना पड़ता है, क्योंकि आप यहां से अगर करेंसी लेके जाते हो और अगर ओल्ड नोट्स होगी तो दूसरी कंट्री में वो एक्सेप्ट नहीं की जाती है। करेंसी के बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो वहां पे बात आएगी फूड्स के बारे में। तो बेसिकली ज्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं वो मैथ फैसिलिटी भी पसंद करते हैं, और कुछ स्टूडेंट जो होते हैं वो सेल्फ कुकिंग भी एडप्ट करते हैं वहां पे जाके। तो जब आप सेल्फ कुकिंग की बात करते हो तो आपके यहाँ से बर्तन वगैरह थोड़े बहुत ले जाने आवश्यक रहते हैं, जिसके अंदर अगर हम लोग बात करेंगे तो फ्राई पैन जो रहती है नॉनस्टिक की जो रहती है बेसिकली वो आप प्रेफर करें उसकी। दूसरा होता है प्रेशर कुकर जो रहता है 1-2 लीटर का आप ले ले, बेसिकली एक स्टूडेंट वहां पे खाना नहीं पकाता है, ग्रुप में ही स्टूडेंट पकाते हैं, तो एक 1-2 लीटर का प्रेशर कुकर रिक्वायर्ड रहेगा। उसके अलावा जो भी कुकर ले रहे हो उसकी जो एसेसरीज है जैसे रबर गास्केट है के एक दो स्पेयर्स ले ले, सेफ्टी वाल्स है वो साथ में आप कवर कर ले। उसके अलावा स्क्रूड्राइवर की जो रेंज है उसका एक सेट पूरा यहाँ से लेके चले, जो हर एक काम में आपको आवश्यक रहेगा। दूसरा, जो स्पून्स की बात करेंगे तो स्पून्स खाने के लिए भी जो रिक्वायर्ड रहेगी वो कुछ स्पून्स के सेट लेके चले यहाँ से। उसके अलावा सर्विंग स्पून्स है, वुडन स्पून्स है फॉर कुकिंग, वो भी आपको कैरी करनी आवश्यक है यहाँ से। उसके अलावा सारसी या बेलन है, ये सब चीजें यहाँ से कैरी करके चले। और दूसरा, जब यहाँ से आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपके साथ रूममेट्स कौन है वो अगर पता चल जाता है पहले से तो डुप्लीकेशन चीजों का ना हो उतना बेहतर है, तो उतना वेट दूसरी चीज में आप एडजस्ट कर पाएंगे। उसके अलावा अगर मसाले की बात करेंगे हम लोग तो वहाँ पे रेड चिली पाउडर है, गर्म मसाला है, धनिया पाउडर है, हल्दी है, जीरा है, वो 1 kg के पैकेज आप यहाँ से कैरी कर ले। उसके अलावा डिफरेंट काइंड ऑफ जो मसाला आता है जिसमें चना मसाला का आता है, चाट मसाला आता है, गार्लिक मसाला आता है, पीपर है, रॉक सॉल्ट है जिसके काला नमक बोलते हैं हम लोग, अचार, ये सब चीजें। उसके अलावा अगर आपको दूसरी कोई चीजें पसंद है और उसके रिगार्डिंग कोई मसाला आपको लेना है तो उसके जो तैयार पैक मिल रहे मसाले के यहाँ से अवश्य कैरी कर ले, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत जो होती है वो मसालों के बारे में होती है वहाँ पे। दूसरा, जब भी बैग पैक कर रहे हैं आप तो मसाला है या कुछ भी चीज है जो पाउडर फॉर्म में है या फिर लिक्विड फॉर्म में है उसको ध्यान से अपने लगेज के अंदर पैक करें और लूज पैकिंग ना रखें, ट्राई करें प्रॉपर पैकिंग करने के लिए। दूसरा, जो लिक्विड आइटम्स है जैसे आपका डीओ स्प्रे है, आपका परफ्यूम है, उसके जो मेटल कंटेनर आते हैं वही बॉटल को आप यहाँ से कैरी करके चले, ना कि कोई ग्लास बॉटल को ले। कई बार एयरलाइंस के अंदर प्रेशर की वजह से वो बॉटल ब्रेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो ये सब चीजें को अपने लगेज में ही लोड करें, एयरलाइंस के अंदर वो स्ट्रिक्टली अलाउ नहीं करते ये सब चीजों। उसके बाद अगर क्लोथिंग की बात करेंगे हम लोग तो 3-5
पैर जो है वो जीन्स है ट्राउजर्स है उसके लेके चले दो सेट्स के आसपास। अब थर्मल या जो वियर होते हैं वुलन के लिए मीन स्टैंड के लिए, वो कंट्री के ऊपर डिपेंड करता है कौन सी कंट्री में आप जा रहे हो उसके हिसाब से वो कपड़े आप परचेज करें। यहाँ से कोई भी जैकेट हैवी या शूज परचेज ना करें क्योंकि वो यहाँ के शूज या जैकेट वहाँ पे आपको काम नहीं लगने वाले हैं। तो यहाँ से जो नॉर्मल है वही लेके चले। अंडरगारमेंट जो है वो 5 to 8 पेयर्स वो लेके चले। हैंडकरचीफ जो रहती है अगर आपको रेगुलर यूज करने की आदत है वो 10 सेट के आसपास आए तो एक डजन के आसपास लेके चले यहाँ से। सॉक्स जो है वो भी आप जितने ज्यादा आपके हो सकते हैं 10 सेट के आसपास या 5 सेट के आसपास जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप यहाँ से ले सकते हैं। टॉवेल्स है नैपकिन है एज पर इज योर रिक्वायरमेंट। बेडशीट्स है आपके टी शर्ट पैंट्स और नाइट सूट्स है वो आप लेके चले यहाँ से। उसके अलावा स्लीपर्स है हैंड ग्लोव है मफलर्स है वुलन कैप है ये सब चीजें इनिशियल स्टेज के लिए आपको रिक्वायर्ड रहेगी और इन रेगुलर भी आपको वो काम लगी जब ठंड नॉर्मल हो जाएगी तो उस टाइम पे रेगुलर यूज में आने वाली चीज है तो वो चीजें यहाँ से लेके चले। दूसरा हैंगर्स जो रहते हैं वो मेटल या प्लास्टिक या वुडलैंड फॉर्म में जो आपके पास अवेलेबल है वो आप यहाँ से कैरी करें जो वेट में आपको कम हो जाए। और उसके अलावा जो सबसे बड़ी जो चीज रिक्वायर्ड है कोई भी कंट्री के अंदर इलेक्ट्रिक सप्लाई जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है। यूरोपियन कंट्री का डिफरेंट है US का अलग है इंडिया का अलग है। तो यहाँ से 3-to-pin कन्वर्टर जो होता है वो मल्टी पिन कन्वर्टर जो होता है वो खास कैरी करके चले क्योंकि वहां पे वो चीज आपको महंगी पड़ेगी। और उसके अलावा दूसरी जो चीज लगेगी वो लगेगी अम्ब्रेला। वेदर हर एक कंट्री का अलग होता है। आप यहाँ से जा रहे हैं नॉर्मल कंट्री वेदर के अंदर लेकिन वहां पे जाके मे बी शायद स्नो गिर रहा है बारिश गिर रही है उस टाइम पे आपको अम्ब्रेला की रिक्वायरमेंट रहती है तो एक हैंडी अम्ब्रेला रेके रखे। मेडिकल स्टूडेंट की हम लोग जब बात करेंगे तो फुल आर्म जो एप्रोन रहते हैं वो यहाँ से लेने पड़ेंगे आपको या तो मे बी आप वहां से भी परचेस कर सकते हैं। उसके अलावा कैप्स व्हाइट कलर की आपको लेनी है वो भी दो सेट जितने आप यहाँ से लेके चले। उसके अलावा वन बॉक्स एक कलर पेंसिल का सेट शार्पनर पेंसिल्स वन बॉक्स ऑफ इरेजर सेलोटेप ग्लू स्टिक स्टेपलर स्टेपलर की पिन थ्रेड्स रहेंगे दोरी जो टांका लगाने के लिए लगती है बटन्स नाइफ के सेट्स टिफिन बॉक्स एक लेके चले यहाँ से क्योंकि आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो उस टाइम पे दोपहर में लंच का टाइम ना भी रहे तो कुछ मॉर्निंग में बना के आप लेके जा सकते हैं। स्कूल बैग स्मॉल साइज में और एक स्मॉल ट्रैवल आयर इतनी चीजें आपको साथ में कैरी करके चलनी पड़ेगी। गर्म कपड़े अगर आप यहाँ से कैरी कर रहे हैं तो नॉर्मल से ही लेके चले क्योंकि यहाँ के कपड़े वहाँ पे काम नहीं लगने वाले जैसे हमने बोला आपको वहाँ से परचेस करने पड़ेंगे और उसका जो कॉस्ट लगेगा वो करीबन $100 to $150 के आसपास वहाँ पे लगेगा। उसके बाद अगर बात करेंगे टॉयलेटरी एंड मेडिसिन के बारे में तो यहाँ से बॉयज जा रहे हैं गर्ल्स जा रहे हैं उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो चीज़ें कैरी कर सकते हैं। जिसके अंदर अगर हम लोग लिस्ट बनाएंगे तो मिरर है स्मॉल साइज का ले सकते हैं शेविंग किट है टूथपेस्ट है ब्रश है जेल है और उसके अलावा अगर मेडिकल किट की बात करेंगे तो उसके अंदर आप फर्स्ट एड किट आप ले सकते हो एक साथ में। मेडिसिन जो आप ले रहे हो हेडेक के लिए स्टोमिक पेन के लिए फीवर के लिए वॉमिटिंग के लिए लूज मोशन के लिए कोल्ड कफ एंटीबायोटिक्स बर्न्स एंड कट्स के लिए जो जेल्स आती है उसकी टैप आती है वो चीज़ें आप ले सकते हो। लेकिन ये जब मेडिसिन लेते हो आप तो उसके साथ प्रिस्क्रिप्शन लेना साथ में ना भूले वो अति आवश्यक है आपको साथ में कैरी करके चलना। और जैसे किसी को कोई दिक्कत है एलर्जी की या कुछ भी तो उसकी दवाई जब बैग में आप रखते हो हैंडबैग के अंदर तो उसके साथ डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन आपको खास अवश्य कैरी करके चलना है। कई बार स्टूडेंट का एक दूसरा वो क्वेश्चन भी रहता है कि लगेज और हैंडबैग के अलावा दूसरा क्या फ्री बैग्स यहाँ पे अलाउ किया जाता है तो उसके अंदर अगर हम लोग बात करेंगे तो लेडीज का जो बैग रहता है लेडी हैंडबैग रहता है प्लास्टिक बैग रहता है आपके पास अगर आपने कोट लिया हुआ है तो कोट रहता है स्कार्फ रहता है अम्ब्रेला है आपके पास या फिर आपने कोई कैमरा लिया हुआ है कुछ मैगजीन्स अगर आपने रीड करने के लिए हुए फ्लाइट के अंदर या बुक्स ली हुई है तो उसको लगेज में काउंट नहीं किया जाता है। उसके बाद अगर हम लोग मोबाइल हैंडसेट की बात करेंगे तो GSM मोबाइल ट्राई करें यहाँ से परचेस करने के लिए। अगर आपके पास पुराना मोबाइल है जो GSM है तो भी आप कैरी कर सकते हो यहाँ से तो फिर आप वहां पे जाके भी आप परचेस कर सकते हो। और दूसरी एडवाइस ये रहेगी बहुत ज्यादा वहां पे एक्सपेंसिव मोबाइल को कैरी करके ना चले या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट है जो ज्यादा एक्सपेंसिव है वो कैरी ना करे। आपको हॉस्टल में रहना है और मल्टीपल ग्रुप में रहना है तो सिक्योरिटी रीजन की वजह से बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव इक्विपमेंट यूज करना वो रिलायबल ऑप्शन नहीं है आपके लिए। कुछ बेसिक प्रिकॉशन आपको लेने अति आवश्यक है जब भी ट्रैवल कर रहे हैं ट्रैवल इन द ग्रुप अकेले कभी भी ट्रैवल ना करें। और दूसरा जो बैग्स आपका है वो कहीं पे भी अनअटेंडेड ना छोड़े क्योंकि उसके अंदर आपकी एक्सपेंसिव चीज भी हो सकती है आपके डॉक्यूमेंट भी हो सकते हैं। अपने दोस्तों को या अपने ग्रुप है उसको हमेशा असिस्ट करें एक दूसरे की मदद करके चले यहाँ से। उसके अलावा जो मनी है आप इनर पॉकेट के अंदर रखें या प्रॉपर प्लेस में रखें और एक डिसिप्लिन बना के रखें क्योंकि आप जिस कंट्री में जा रहे हो वहाँ पे अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो आप खुद को नहीं कर रहे हो।
हो। एयरपोर्ट के ऊपर दूसरे किसी से भी कोई अननोन पर्सन है उससे कोई भी पैकेट एक्सेप्ट ना करे, क्योंकि वो पैकेट के अंदर कुछ भी हो सकता है जो कि आपको फॉरेन कंट्री के अंदर बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, मे बी इन द इमिग्रेशन और मे बी यू विल गेट अ लीगल एक्शन ओवर देयर। कोई भी टिकट बुक कर रहे हैं तो अपने कंसल्टेंट के थ्रू या फिर अपने एयरलाइन ट्रैवल एजेंट के थ्रू खास जानकारी ले ले कि वेट अलाउंस कितना अलाउ किया जा रहा है वो फ्लाइट के अंदर, तो वहां पे बोर्डिंग के टाइम पे आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। उसके अलावा अगर हम लोग बुक्स की बात करेंगे तो एज अ सॉफ्टामो हम लोग हर एक स्टूडेंट को यहाँ से मेडिकल की बुक्स जो फर्स्ट ईयर की होती है प्रोवाइड करते ही है, लेकिन अगर आपको आपके कंसल्टेंट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो कुछ बुक्स जो है रेफरेंस बुक्स यहाँ से खास से लेके चले जो कि आपको एंड तक काम में लगने वाली है। दूसरा 5 से 10 नोटबुक के सेट और दूसरा 20 जितनी लो कॉस्ट जो डॉट पेंस रहती है वो खास यहाँ से कैरी करके चले। इसके अलावा अगर पीडीएफ आपके पास अवेलेबल है तो वो भी एडवाइजेबल है। जो हॉट वाटर की किटल्स आती है जो 2 प्लीपिन वाली आती है वो यहाँ से कैरी करके चले गर्म पानी करने के लिए। अगर आपको कॉफी या चाय पीने की आदत है तो उसके पैक्स भी यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं, वो आप यहाँ से कैरी कर सकते हैं। फॉरेन कंट्री में आपको थोड़ा एक्सपेंसिव रहेगा वो चीज़। दूसरा, इनिशियली जब वहाँ पे पहुँचते हैं कुछ खाने की ऐसी चीज़ें जैसे इंस्टेंट पैक आते हैं वो इंस्टेंट पैक लेके चले यहाँ से, या तो फिर मैगी है करी है उसके पैकिंग आते हैं, रेडीमेड फूड्स के जो पैकिंग आते हैं, और उसके अलावा पोहा है अगर आपको पसंद तो पोहा भी यहाँ से 2 या 3 किलो जितना अंदर डाल के रख ले बैग में। तो अपने टेस्ट के हिसाब से जो जो चीज़ें आपको लगती है इनिशियल स्टेज पे जब आपका वहाँ पे एडजस्ट होना है 10 या 15 दिन, उस टाइम के लिए ये चीज़ें आपको ज़्यादा हेल्पफुल रहे। तो यहाँ पे हमने जो चीज़ें आपको बताई हुई है वो जस्ट एक रेफरेंस के हमने ये वीडियो बनाया हुआ है। उसके अलावा आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको जो भी टेस्ट पसंद है उसके हिसाब से आप चीज़ें यहाँ से कैरी कर सकते हो, लेकिन ध्यान रख के आपका लगेज कैपेसिटी बढ़ेगा तो उसका एडिशनली अमाउंट आपको वहाँ पे एयरपोर्ट पे पे करने के लिए रेडी रहना पड़ेगा। तो आज के लिए आई थिंक दोस्तों ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारा फिर से निवेदन है आपसे कि इसको लाइक करना शेयर करना ना भूले, एवं फिर से रिक्वेस्ट है आपका कि अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब जरूर से कर ले, और यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन हो कोई भी डाउट हो तो दिए गए नंबर के ऊपर आप कॉल करके बात कर सकते हो। उसके अलावा हमारा चैट सेक्शन अवेलेबल है जहाँ पे जाके आप चैट भी कर सकते हो। उसके अलावा दिए गए मेल आईडी के ऊपर आप मेल करके भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, टेक केयर।